व्हाट्सअप गाइज, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। बहुत लोगों ने मेरे से पूछा है कि पोस्ट वर्कआउट मील क्या ले, आप क्या लेते हैं। तो दोस्तों आज मैं डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा कि मैं क्या पोस्ट वर्कआउट मील लेता हूँ। अभी एक घंटा पहले ही मैं वर्कआउट करके आया हूँ और मैं अभी एक अपना पोस्ट वर्कआउट मील बनाने जा रहा हूँ। तो दोस्तों मैं आप लोग को बताऊंगा कि एक पोस्ट वर्कआउट मील कैसा होना चाहिए और कितना कैलोरीज होता है उसमें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स चाहिए। तो बने रहिए मेरे साथ और इस वीडियो को पूरा देखिए। वेलकम बैक गाइज। आज मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि पोस्ट वर्कआउट मील कैसे बनाना होता है, क्या पोस्ट वर्कआउट मील होना चाहिए। तो दोस्तों मैं पोस्ट वर्कआउट मील जो है एक प्रोटीन शेक लेता हूँ जिसमें वे प्रोटीन होता है, और वे प्रोटीन के अलावा मैं कुछ और चीज ऐड करता हूँ, जैसे कि ये केला हो गया, पीनट बटर हो गया। तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी मैं मिलाता हूँ और एक प्रोटीन शेक बनाता हूँ। तो आइए आपको दिखाते हैं कि मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील कैसे बनाते हैं। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले मैं अपने बेटे को इंट्रोड्यूस करना चाहता हूँ। ये मेरा बेटा है अव्युक्त। से हाय टू एवरीबॉडी। तो अव्युक्त जो है वो मुझे हेल्प करेगा। आप हेल्प करोगे मुझे? तो अव्युक्त मुझे हेल्प करेगा मुझे मेरा प्रोटीन शेक बनाने में। तो पहले मैं आप लोग को बता दूं कि क्या क्या इंग्रेडिएंट्स आप लोग को चाहिए। तो दोस्तों मेरे पास क्या है, ये प्रोटीन। वेरी गुड। तो मेरे पास मसल ब्लेस का रो हुए आइसोलेट 90% आप देख सकते हैं। इसमें कोई फ्लेवर नहीं है, ये अनफ्लेवर्ड है और मैं यही पसंद करता हूँ, क्योंकि जो भी फ्लेवर्ड होता है उसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर मिलाते हैं, उसमें और भी बहुत सारे चीज़ मिलाते हैं जो आपके इंसुलिन को स्पाइक कर सकता है, इसीलिए वो चीज़ मैं अवॉइड करता हूँ। आप भी कोशिश करिए कि अनफ्लेवर्ड ही ले, और अपने घर में ही जो भी आपको फ्लेवर चाहिए उस तरह से आप बना सकते हैं। तो अनफ्लेवर्ड ही मैं रिकमेंड करता हूँ, और इस पर मैंने एक और वीडियो बनाया है, इसका रिव्यू किया हुआ है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करके उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। तो रो वे आइसोलेट 90% मसल ब्लेस का ये मुझे काफ़ी पसंद है और मैं एक स्कूप इसका लूँगा। इसके साथ मुझे चाहिए एक चम्मच, जो एक सर्विंग जो है वो 32 ग्राम्स का होता है, और ये पीनट बटर है, ये मैंने कुछ दिन पहले ही मंगाया है, पिंटोला का पीनट बटर। ये अनस्वीटेंड है। वैसे तो मैंने बहुत सारे पीनट बटर के बारे में बताया है, उसके बारे में रिव्यू किया है। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो इस लिंक को क्लिक करिए और उस वीडियो को ज़रूर देखिए। पिंटोला का पीनट बटर बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, काफ़ी दिनों से मैं यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन इस पर मैंने अभी तक रिव्यू नहीं किया है। अगर आप लोग इसके बारे में भी एक रिव्यू देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि इसका भी एक रिव्यू आप लोग देखना चाहते हैं। दोस्तों इसके अलावा मुझे चाहिए होगा 200 ml, क्या है, व्हाट इज दिस, मिल्क। वेरी गुड। तो इसके अलावा मुझे चाहिए होगा 200 ml मिल्क। तो दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, ये काव मिल्क है, और जब आप काव मिल्क को बॉयल करके रख देते हैं और उसके ऊपर काफ़ी मलाई जम जाता है, तो मैंने मलाई भी इसमें ले रखा है क्योंकि मुझे मलाई पसंद है, मुझे फैट पसंद है। तो 200 ml मिल्क मैंने लिया है और मलाई मैंने लिया हुआ है। मलाई में अच्छा खासा सैचुरेटेड फैट होता है। तो दोस्तों सैचुरेटेड फैट जो दूध में होता है वो आपके शरीर के लिए बहुत अच्छा है। मैंने उस पर भी एक वीडियो बनाया है कि क्या मिल्क अच्छा है आपके लिए। तो अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो इस लिंक को क्लिक करिए और उस वीडियो को भी ज़रूर देखिए। और आपके दिमाग में जितने भी वहम है कि दूध अच्छा नहीं होता है, मलाई अच्छा नहीं होता है, उस वीडियो को देखेंगे तो आपका वो सारे वहम जो है वो ख़त्म हो जाएगा। इसके अलावा मुझे चाहिए एक केला, मैं एक केला इसमें डालूंगा जिससे कि मेरा जो, क्योंकि ये सारे चीज़ जो है वो अनस्वीटेंड है, अनफ्लेवर्ड है, तो इससे मुझे बनाना का फ्लेवर भी मिल जाएगा और इसमें क्योंकि अच्छा खासा नेचुरल शुगर है तो उससे थोड़ा सा स्वीटनेस भी आ जाएगा। तो मुझे एक्स्ट्रा शुगर डालने की ज़रूरत नहीं है, इसी से मेरा जो ड्रिंक है अच्छा खासा स्वीट हो जाएगा। वुड यू लाइक टू ड्रिंक? ओके। तो मेरा बेटा नहीं पिएगा बोल रहा है, लेकिन वो सिर्फ मुझे असिस्ट कर रहा है, तो
तो मैं पीऊंगा और ये छोटे बच्चे को ये ड्रिंक पिलाने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो नॉर्मल खाना उनको खिलाइए। वो केला खाता है, वो दूध पीता है, वो पीनट बटर भी खाता है, लेकिन वे प्रोटीन की छोटे बच्चे को ज़रूरत नहीं है क्योंकि उतनी प्रोटीन की ज़रूरत नहीं होती है बच्चे को, बाकी सब वो वैसे ही खा लेता है। तो दोस्तों सबसे पहले मैं वेट कर लेता हूँ, देख लेता हूँ कि एक केला में कितना ग्राम है। तो आपको जो वेट करना है वो आप छिलके निकाल लीजिए उसका और उसके बाद उस केले का वेट करिए, देखिए कितना वेट है इसमें। तो दोस्तों इस केले का वेट जो है वो 105 है, यानी कि 100 ग्राम के आसपास आप समझ सकते हैं। तो 100 ग्राम केले में तकरीबन 30 ग्राम के आसपास आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, जिसमें कि 2-3 ग्राम के आसपास फाइबर मिलेगा। तो यानी कि अगर मैं इसकी कैलोरीज काउंट करूं तो 90 कैलोरीज के आसपास होगा। तो इसको मैं छोटा छोटा करके इस ग्राइंडर में डाल दूंगा। मेरे पास 200 ml मिल्क है, ये मैंने मेजर किया हुआ है, 200 ml है। तो 200 ml मिल्क में तकरीबन, क्योंकि इसमें मलाई भी है, तो आप 150 से 170 के आसपास आप समझ सकते हैं कि इसमें कैलोरीज होगा। तो ये भी डाल देता हूं मैं। अब इसमें डालूंगा मैं 1 स्कूप व्हे प्रोटीन। 1 स्कूप में मुझे 27 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिल जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1 स्कूप ऐसा है, 27 ग्राम के आसपास प्रोटीन मिलेगा। ये 30 ग्राम के आसपास इसका टोटल वेट है। अब इसमें मैं पीनट बटर लूंगा, पीनट बटर 1 चम्मच लूंगा। इसमें एक सर्विंग जो है वो बता रहे 32 ग्राम के आसपास होना चाहिए और पर सर्व में आपको 204 कैलोरीज मिलेगा, जिसमें कि प्रोटीन 10 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 6 ग्राम और फैट जो है 16 ग्राम। तो आइए मेजर करते हैं। तो दोस्तों ये मैंने मेजर किया हुआ है, तकरीबन 30 ग्राम के आसपास पीनट बटर है, ये मैं डाल दूंगा इसमें। अब इसमें एक चीज और रह गया है, कुछ आइस क्यूब डाल देंगे तो थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा और ठंडा प्रोटीन शेक पीने का मजा ही अलग है। तो मैं कुछ आइस क्यूब्स मेरे पास पड़े हुए हैं, ये मैं डाल देता हूँ, 2-3 आइस क्यूब। That's it guys, अब इसको हम ब्लेंड करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। तो गाइज मेरा प्रोटीन शेक तैयार है, ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है। तो अगर मैं इसका कैलोरीज देखूं, इस वे प्रोटीन से मुझे तकरीबन 112 के आसपास कैलोरीज मिलेगा, इससे मुझे 200 के आसपास मिलेगा, एक बनाना से मुझे 90 के आसपास कैलोरीज मिलेगा और 150 के आसपास मिल्क से मिलेगा। तो तकरीबन अगर ये सारे चीज के कैलोरीज में काउंट करूं तो मुझे 550 से 600 कैलोरीज के आसपास मिल जाएगा सिर्फ और सिर्फ ये शेक से। तो ये मेरा एक कंप्लीट मील है गाइज, इसमें प्रोटीन भी है, इसमें कार्बोहाइड्रेट भी है और इसमें फैट भी है। तो इसमें सारे चीज है और एक कंप्लीट मील हो जाएगा आपके लिए। इसके बाद मैं 2 से 3 घंटे बाद अपना खाना खाऊंगा। तो ये मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है, आइए आप और हम इंजॉय करते हैं मेरा पोस्ट वर्कआउट मील। तो गाइज मेरे पास ये बियर मग है, वैसे तो मैं बियर पीता नहीं, लेकिन मुझे इस मग में अपना प्रोटीन शेक पीने में बहुत मज़ा आता है और मैं ये सोचता हूँ कि मैं बियर ही पी रहा हूँ। तो बियर की जगह अगर आप अपना प्रोटीन शेक बियर मग में पियेंगे तो आपको एक अच्छा खासा न्यूट्रिशन मिल जाएगा जो आपके सेहत के लिए बहुत अच्छा है। सो गाइज माई प्रोटीन शेक इज रेडी, दिस इज माई पोस्ट वर्कआउट मील। अगर आप लोग इसको ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज इसको ट्राई करिए। अब सवाल ये आता है कि क्या इसको डायबिटिक के मरीज ले सकते हैं? बिल्कुल ले सकते हैं, बस केला जो है या तो उसको रिमूव कर दीजिए, केला मत डालिए इसमें। अगर आप केला नहीं डालेंगे तो आपको कार्ब नहीं मिलेगा और अगर आप केला डालना भी चाहते हैं तो आधा से ज्यादा मत डालिए, 50 ग्राम से ज्यादा केला मत डालिए। और 50 ग्राम केला डाल के भी डायबिटीज के मरीज भी इसको एंजॉय कर सकते हैं। जिनको डायबिटीज नहीं है वो बिल्कुल इसी तरह से प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन ध्यान रखना है कि इसमें 550 से 600 कैलोरीज है। तो अगर आप वेट लॉस जर्नी में है तो आपको वो ध्यान रखना पड़ेगा,
मैं वेट लॉस जर्नी में नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं कैलोरी काउंटिंग नहीं करता हूँ। जितना मुझे भूख लगता है और जितना मुझे मेरी बॉडी इंडिकेट करता है खाने के लिए, उतना ही मैं खाता हूँ। अगर इसको पीने के बाद मुझे 4 घंटे तक भूख नहीं लगेगा तो मैं अपना खाना नहीं खाऊंगा। अगर 2 घंटे बाद भूख लगता है तो मैं उस समय खाऊंगा। तो मैं अपने भूख के हिसाब से चलता हूँ, ना ही कोई घड़ी देख के और ना ही कैलोरी काउंट करके। लेकिन मैंने कैलोरीज इसलिए काउंट किया ताकि आप लोग को बता सकूं कि एक ड्रिंक में कितना कैलोरीज होता है, वो आपको मालूम होना चाहिए। तो दोस्तों आइए आप और हम इंजॉय करते हैं ये प्रोटीन शेक। तो दोस्तों इसमें मैंने चीनी बिल्कुल भी नहीं डाला है, सब कुछ अनफ्लेवर्ड है, लेकिन फिर भी मुझे काफी अच्छा खासा मीठा लग रहा है क्योंकि इसमें केला है और केले में कार्बोहाइड्रेट है और नेचुरल शुगर है, तो इसी से आपको बहुत अच्छा मजा आएगा पीने में और ये बहुत स्वीट भी है। आइए मैं अपने बेटे को टेस्ट कराता हूँ और उसकी राय लेते हैं कैसा लगता है उसको। जस्ट यू नीड टू टेस्ट दिस टेस्ट। हाउ इज इट? यस। से हाउ इज इट? आई लाइक इट। से लाउडली, आई लाइक इट। वाओ, यू लाइक इट? यू वुड लाइक टू ड्रिंक समथिंग लाइक दिस? ओके, आई विल मेक फॉर यू, डोंट वरी, यू वांट टू एंजॉय, आई विल मेक दिस फॉर यू। ओके, तो दोस्तों देखा आपने, मेरे बेटे को भी पसंद आया और ये वैसे तो बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ है क्योंकि वे प्रोटीन भी सेफ है बच्चे के लिए क्योंकि ये दूध से ही बनता है और बच्चे को तो दूध पिलाते ही है आप, तो ये बच्चे के लिए भी बिल्कुल सेफ है और आराम से अपने बच्चे को भी दे सकते हैं अगर आप देना चाहते हैं। लेकिन मैं रिकमेंड करूंगा कि वे प्रोटीन ना दे क्योंकि बच्चे को उतनी प्रोटीन की जरूरत नहीं होती है। आप पीनट बटर दे सकते हैं, दूध दे सकते हैं, केला दे सकते हैं, वैसे ही अगर आप देंगे तो उनकी प्रोटीन जो है अच्छा खासा मीट हो जाएगा। लेकिन अगर आप वे प्रोटीन भी अगर आप देना चाहते हैं तो आप दे सकते हैं, लेकिन जरूरत नहीं है इसकी। तो गाइज मैं इंजॉय करता हूँ अपना प्रोटीन शेक। तो गाइज ये था एक छोटा सा वीडियो और आज आप लोग जान गए होंगे कि मैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील क्या लेता हूँ। आप लोग भी अगर ट्राई करना चाहते हैं तो प्लीज ट्राई करिए और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए आप लोग को कैसा लगा ये प्रोटीन शेक। मैं मिलूंगा आप लोगों को एक नए वीडियो के साथ, तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।